नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको आज रेलवे का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था 2017 में, उसमें था कि तकरीबन 2.5 लाख पोस्ट जो कि रेलवे में निकलने वाले हैं वो दिसंबर में निकलने वाले थे। हालांकि अभी डेट आया नहीं है कब वो निकलेगा, लेकिन दिसंबर तो बीतने वाला है दोस्त। तो ये रेलवे का नोटिफिकेशन CEN 1 2017 का है। इसमें लोको पायलट जो कि ड्राइवर होते हैं उसमें 25,000 पोस्ट थे, और ये 25,000 पोस्ट निकलने वाले हैं। और ये सॉरी ASM का है, जो स्टेशन मास्टर होते हैं, असिस्टेंट होते हैं स्टेशन मास्टर, उसका है 25,000 पोस्ट। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी भी क्षेत्र में आप डिग्री ग्रेजुएशन कर चुके हो, और एज लिमिट है 18 से 32, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड है। आगे देखते हैं दोस्त, जो ये 18 में आने वाला है गुड्स गार्ड, उसी सीरियल में है गुड्स गार्ड्स का, उसी के साथ आएगा वो। गुड्स गार्ड्स के लिए आपको जॉब नंबर ऑफ पोस्ट है 5,000 प्लस, ग्रेजुएशन इसमें भी होना चाहिए। अब ये 2018 में आने वाली है ये वैकेंसी गुड्स गार्ड की। इसमें है डेट ऑफ एग्जामिनेशन, शायद ये मार्च और अप्रैल में शायद ये डेट इसका एग्जामिनेशन का होगा। नोटिफिकेशन आने वाला है मार्च या अप्रैल में, जो लिखा हुआ है डेट ऑफ नोटिफिकेशन और अप्लीकेशन फॉर्म। डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन मार्च और अप्रैल में 2018 में भरा जाएगा। तो और एडमिट कार्ड अभी अवेलेबल तो होगा नहीं जब तक भरा नहीं जाएगा। और आगे देखते हैं कि TSCA का भी इसके साथ आने वाला है। वो TSCA का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर दिखा रहा है 1,80,000। और ये जो लोको पायलट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 18 से 42 वर्ष तक होना चाहिए। ALPN गुड्स गार्ड्स एलिजिबिलिटी है गुड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपका ALP के लिए। कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर ASM एंड गुड्स गार्ड्स पोस्ट मस्ट है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम UGC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आगे है ट्रैफिक असिस्टेंस एलिजिबिलिटी, तो ये TA के लिए है। TA के लिए 18 से 40 वर्ष है। तो यहाँ पे एक पेपर कटिंग में दिखा रहा हूँ आपको। रेलवे भर्ती के आवेदन में अब आधार नंबर अनिवार्य है। जो जिन्होंने जिस कैंडिडेट ने आधार नंबर अभी तक नहीं बनवाया वो कृपया बनवा लें, ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। ये है डिफरेंट डिफरेंट जो कि रेलवे बोर्ड है उसके साइट है, यहाँ पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, या आप RTI लगा के भी पूछ सकते हैं कि ये कब तक आपका जो फॉर्म निकल सकता है। हालांकि ये RTI में जवाब तो क्लियरली देंगे नहीं वो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा ही। तो ये थी जो रेलवे का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है 2018 में, उसका नोटिफिकेशन अभी जो अप्रैल और मार्च में निकलेगा। जैसे ही आपके नया कुछ इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको फिर से शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।